तो हाँ जी, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि काजू कैसे बनता है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बादाम के बारे में। बादाम तो आप सभी ने खाया ही होगा। बादाम को लस्सी में मिलाकर पीना हो या फिर बादाम से बनी हलवे को खाना हो, दोनों ही स्वाद में काफी अच्छे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बादाम को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है? साथ ही आज हम यह भी जानने वाले हैं कि सबसे महंगा ड्राई फ्रूट पिस्ता कैसे बनता है। लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि बादाम की सबसे ज्यादा खेती अमेरिका की कैलिफोर्निया राज्य में की जाती है और वही भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे ठंडे राज्यों में की जाती है। तो सबसे पहले बादाम के छोटे छोटे पौधे को नर्सरी में तैयार किया जाता है और लगभग 3 से 4 महीनों में जब यह थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इनके पौधों को खेतों में लगा दिया जाता है और लगभग 7 से 8 सालों बाद इन पौधों में सफेद और गुलाबी रंग के फूल आने लगते हैं। जब सारे पेड़ों में फूल आ जाते हैं उसके कुछ ही दिन बाद बादाम के उन पेड़ों में फल भी आना शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद जब सारे फल पक कर रेडी हो जाते हैं तब बारी आती है इन्हें हार्वेस्टिंग करने की, जिसमें इन पके हुए फलों को मशीन की मदद से तोड़ लिया जाता है। जिसके बाद तोड़े हुए इन फलों को ट्रॉली की मदद से फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले बादाम में मौजूद डस्ट पार्टिकल को अलग किया जाता है। ये मशीन वाइब्रेट होकर बादाम में मौजूद डस्ट पार्टिकल को अलग कर देती है, जिसके बाद इन्हें रोलर की मदद से आगे भेजा जाता है और अगले प्रोसेस में इसे एक मशीन से गुजारा जाता है जो कि बादाम में चिपके हुए छिलके को हटा देती है, जहाँ पर ये रोबोटिक मशीन बादाम में बचे हुए हल्के फुल्के गंदगी को भी अलग कर देती है। इस प्रोसेस के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स इनमें से सारे खराब बादाम को छाट कर अलग कर देते हैं और अच्छे क्वालिटी के बादाम को पैक करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले गत्ते को मशीन के ऊपर रखा जाता है, फिर उसमें बादाम को तौल कर डाल दिया जाता है। साथ ही मशीन इन गत्तों पर एक तरफ से गोद लगाती रहती है और फिर इसे दबा कर बाहर से पैक कर देती है, जिसके बाद पैक किए हुए इन बॉक्स को मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सबसे महंगा बिकने वाला ड्राई फ्रूट पिस्ता कैसे बनता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिस्ते की सबसे ज्यादा खेती अमेरिका में की जाती है। पिस्ते की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लिया जाता है, जिससे कि पिस्ते की पैदावार अच्छी हो। उसके बाद नर्सरी से पिस्ते के पौधे को लाकर तैयार किए गए मिट्टी में लगा दिया जाता है। पौधों को लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 10 मादा पौधों के साथ एक नर पौधा जरूर होना चाहिए, क्योंकि नर या मादा पौधों की कमी होने से उत्पादन पर भी असर पड़ता है। और हाँ, इन पौधों को लगाते समय 2 पौधों के बीच काफी स्पेस रखा जाता है, क्योंकि पिस्ते के पौधे का लाइफ 70 सालों का होता है। यानी कि अगर एक बार पिस्ते का पेड़ लगा देते हैं तो वह लगातार 70 सालों तक फल देता रहता है और लगभग 4 से 5 सालों में इन पेड़ों में फल आने लगते हैं। जब ये फल पक कर लाल हो जाते हैं तब बारी आती है इन्हें हार्वेस्टिंग करने की, जिसमें इन पके हुए फलों को मशीन की मदद से तोड़ लिया जाता है और इन तोड़े हुए फलों को ट्रॉली की मदद से फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले ऑटोमेटेड मशीन की मदद से इसकी क्लीनिंग की जाती है और जो डस्ट पार्टिकल बच जाते हैं उसे वहाँ पे काम कर रहे वर्कर्स हाथों से चुन कर अलग कर देते हैं और अच्छे क्वालिटी के पिस्ते को पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। यदि वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप जानना चाहते हैं कि काजू कैसे बनता है तो लेफ्ट वाले वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।